बच्चों तीन कविताएं सुनाने वाली हूँ छोटी छोटी रोटी के बारे में पहली है एक रोटी छोटी एक रोटी मोटी छोटी बोली मोटी से तू क्यों मोटी मोटी और मोटी बोली छोटी से अरे तू क्यों छोटी छोटी भाई छोटी हो या मोटी रोटी तो है रोटी अब झगड़े की क्या बात है जो जैसा है वैसा है अब ये है टंग ट्विस्टर जल्दी जल्दी बोलने में मजा आता है एक रोटी छोटी अम्मी एक रोटी मोटी अम्मी छोटी रोटी मोटी अमी मोटी रोटी छोटी अमी तुम तो लोग ट्राई करना एक बार फिर सुनाती हूँ एक रोटी छोटी अम्मी एक रोटी मोटी अम्मी छोटी रोटी मोटी अमी मोटी रोटी छोटी अमी ठीक है अगली है रोटी वाली ये रोटी वाली जो है ये तंदूर लगाती हैं एक बड़े गांव में वो वहां लोग जाते हैं उनसे रोटी पकवाते हैं तो उनको कह रहे हैं कि रोटी वाली रोटी वाली तंदूर की कुछ रोटी बना दो पतली बना दो मोटी बना दो कुछ बड़ी कुछ छोटी बना दो कुछ नानी की नरम बना दो सारी गर्मा गर्म बना दो रोटी वाली रोटी वाली तंदूर की कुछ रोटी बना दो और एक जो है ये कुछ कुछ मेरे बारे में है कि मेरे को खानों में क्या पसंद है इस कविता का नाम है मेरी पसंद मैं कहती हूँ खुल्लम खुल्ला मेरी पसंद है माशा अल्लाह कभी न खाऊँ मैं रसगुल्ला कभी ना, रस ना चाहूं दही का भल्ला देख के घर में करम कल्ला मारे खुशी के करूँ मैं हल्ला गाजर मुझे है बेहद भाती पर हलवे के पास न जाती जामुन काले खूब उड़ाती गुलाब जामुन मैं एक ना खाती मैं कहती हूँ खुल्लम खुल्ला मेरी पसंद है माशा अल्लाह और जो आखिरी पोयम है ना वो दो टमाटरों के बारे में है ध्यान से सुनना एक था छोटा टमाटर एक था मोटा टमाटर दोनों लड़ते रहते दिन भर करते रहते थे टर टर मोटा छोटे को तमखा करता पिद्दी उसको कहता एक दिन दोनों गए सड़क पर सामने से आ गई मोटर छोटा निकल गया झट बचकर पर चढ़ गई मोटर मोटे पर मोटे का बन गया कचूमर छोटे को अब सूझा ह्यूमर छोटा बोला हंसते हंसते चटनी जी नमस्ते नमस्ते